मन्नू तुम्हें प्यास लगी है ना, ये लो पानी पियो। यशु बेटा रुक जाओ। मन्नू यशु क्या हुआ, इतने परेशान क्यों, क्या हुआ बेटा? बाबा बाबा क्या हुआ मन्नू, मन्नू ये क्या हो गया बेटा? बाबा मन्नू ये इतनी बदबू कहां से आ रही है? हाँ ये पानी में से इतनी बदबू, हे ईश्वर पानी में मरे हुए जानवर, ये पानी तो दूषित है। मत दीजिए पानी, मत दीजिए, ये पानी दूषित है। कोई तो बचाओ, मदद करो, कोई कोई मदद करो। देखिए आप इनको संभाल कर घर ले जाइए, रब्बी गुरु जी के पास जाइए, उनसे कहिएगा कि कुएं का पानी दूषित हो गया है, उसमें मरे हुए जानवर है, जाइए। बेटा कुछ नहीं होगा, मन्नू ने इस कुएं का दूषित पानी पिया है, उसी के कारण उसे ये हो रहा है। आप बस ऐसा करिए, मुझे इस लंबी रस्सी से सिर्फ कुएं में उतरने में मदद कर दीजिए, मैं नीचे उतर के मरे हुए जानवर बाहर निकाल देता हूँ। अब इन जानवरों को बाहर निकालने से कुछ नहीं होगा, कुएं का पानी पूरी तरह से दूषित हो चुका है, इसीलिए मन्नू और बाकी गाँव वालों की पानी पीने से तबीयत खराब हो रही है। सुनिए आप सब लोग बड़े ध्यान से सुनिए, कोई भी इस कुएं का पानी मत पीजिए, इस कुएं का पानी पूरी तरह से दूषित हो चुका है। हे ईश्वर अब क्या होगा, हमारी मदद करिए, पानी नहीं मिलेगा तो हम जीवित कैसे रहेंगे? देखिए आप इनको लेकर अपने बच्चे को लेकर अब घर जाइए। हे प्रभु पूरे गांव में एक ही कुआं, उसमें भी पीने लायक पानी नहीं, हम लोग क्या करेंगे? देखिए आप संभाल कर अपने बच्चे को लेकर जाइए, आप जाइए। यशु बेटा तुम मन्नू को लेकर घर जाओ, हम कुछ देर में आते हैं, जाओ संभाल कर जाना। जा। सुनो हमको अभी रब्बी गुरु जी के पास जाना होगा, जल्दी चलो। तेरी माया कहीं धूप कहीं छाया। क्या बात है गुरुजी, आज आप बहुत प्रसन्न लग रहे हैं। हाँ बहुत प्रसन्न हूँ मैं, अति प्रसन्न, और प्रभु की कृपा रही तो मेरी प्रसन्नता और भी बढ़ती रहेगी। पता होता पानी की इतनी दिक्कत है और ऐसा बवाल होने वाला है तो मैं वहीं रुक जाती अपने मायके में। बाबा जाना है? नहीं नहीं तुम बोलो तो छोड़ के आता हूँ ना। तो मैं अपने बच्चों के लिए आ गई ना, वहीं रहती ठाट से। रब्बी गुरु जी की बड़ी कृपा है मुझ पर, मैं उनसे विनती करूंगी ना तो वो कोई ना कोई हल निकालेंगे इस समस्या का। गुरु जी हम आपके पास पहले भी अनुरोध लेकर आए थे कि आप अपने निजी कुएं का पानी गाँव वालों को इस्तेमाल करने की इजाजत दे दीजिए। देखिए हालात अभी ऐसे हो गए हैं कि इसके बिना कोई उपाय बाकी नहीं है। हाँ हाँ सुना मैंने, गांव के कुएं का पानी दूषित हो गया है, सुना मैंने, बहुत दुख हुआ मुझे सुनकर। गुरुजी आप तो ईश्वर के दूत हैं, आप इस समस्या का कोई हल निकालिए गुरुजी। हाँ गुरुजी आज तो मेरे मन्नू की जान पर आ गई थी, बहुत बुरा हाल है गांव वालों का, हम सबको आपकी दया की जरूरत है गुरुजी। की मैंने
तुम लोगों के आने से पहले ही तो मैंने ईश्वर से प्रार्थना की। कुछ लोग मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ईश्वर ने मुझे स्वयं एक रास्ता दिखाया है कि हमारा गांव फिर से कैसे कैसे खुशहाल हो सकता है। उन्होंने मुझे बताया है कि किस शर्त पर मैं गांव वालों के साथ अपने कुएं का पानी साझा कर सकता हूं। किस शर्त पर गुरुजी, बताइए ना। एक बहुत आवश्यक अनुष्ठान करना पड़ेगा, लेकिन ये अनुष्ठान वही कर सकता है जिसकी जिसकी खासियत को समझने में मैंने बहुत देर कर दी है। गुरुजी, किसकी बात कर रहे हैं? यीशु। यीशु में कुछ बात है जो मैं अभी तक समझ ही नहीं पाया था। यीशु को गांव की चौपाल पर ले आओ, बाकी की बातें मैं वही समझा दूं। ले आओ, ले आओ। नहीं नहीं, मैं उन्हें यीशु को इन मामले में घसीटने नहीं दूंगा। रब्बी गुरु ने ईश्वर के नाम पे ना बहुत खेल खेल लिया, गांव वाले को बहुत मूर्ख बना लिया, पर अब नहीं। आप शांत हो जाइए, देखते हैं क्या करना है। मैं ना भुक्त भोगी हूं और सालों से देखते आ रहा इनके करतूतों को। देखो, रब्बी गुरु जी के मन में क्या चल रहा है ये तो हम नहीं जानते, अगर हम यीशु को तो जानते हैं ना। यीशु वही करता है जो सही होता है। सही कहा आपने, यीशु वही करता है जो सही होता है। आप चलिए, मैं मैरी और यीशु को लेकर आता हूं। मुझसे किस तरह का अनुष्ठान करवाना चाहते हैं? बेटा, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम वही करना जो तुम्हारे मन में होगा, ठीक है? और एक बात, मैं और तुम्हारी माँ तुम पर पूरा भरोसा करते हैं बेटा। किसी भी चीज से घबराना नहीं, जो तुम्हारा मन करे वही करना। चल। पत्थर पे खून के दाग है। यीशु, इस बारे में हम घर जाकर बात करेंगे, अभी सभी लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। चले बेटा। आओ 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 यीशु, आओ। सब गांव वाले तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। ना यीशु, ना इस मेमने से इतना जुड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे हाथों से इस मेमने की कुर्बानी देनी है। कुर्बानी?
क्या कह रहे हैं गुरुजी आप? वही जो ईश्वर का संदेश है। गांव वालों, मुझे ईश्वर ने स्वयं कहा है कि यदि यीशु के हाथ से एक मेमने की कुर्बानी दे दी जाए तो मैं आप लोगों के साथ अपने कुएं का पानी साझा कर सकता हूं। और फिर उसके बाद प्रभु ऐसी कृपा बरसाएंगे कि पानी का संकट हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा इस गांव से। जब भी गुरुजी की बात मान लो यीशु। अरे मेमने की कुर्बानी दे दो यीशु, हम सबकी जिंदगी बच जाएगी। जरा सोचो यीशु, पानी के बिना गांव वालों का क्या हाल होगा। सही बात है। हाँ, यीशु, सब गांव वाले चाह रहे हैं कुर्बानी दे दो। मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं करोगे यीशु? क्या तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही कि रब्बी गुरुजी जो भी कर रहे हैं उसमें गांव वालों की भलाई है? पर चाची, पानी की समस्या हल करने के लिए परमपिता परमेश्वर किसी का खून बहाने के लिए क्यों कहेंगे? आप ही समझाइए ना यीशु को। भाई तुम भी, ये क्या कह रहे हो? क्या समझाऊं यीशु को? एक मासूम से जानवर की हत्या कर दे? हत्या नहीं, इसे कुर्बानी कहते हैं। अगर रवि गुरुजी कह रहे हैं कि ऐसा करने से पानी की समस्या हल हो जाएगी तो यीशु को कुर्बानी देनी ही होगी। हाँ, सही बोल रहे, सही। देनी होगी का क्या मतलब है आपका? अगर यीशु नहीं चाहता कि मेमने की कुर्बानी दी जाए तो वो नहीं देगा। आप लोग उसे मजबूर नहीं कर सकते। मैं जानती हूँ यीशु कि तुम्हें मेमने से कितना लगाव है, पर ये भी सच है कि पानी की समस्या बड़ी समस्या है, और पानी नहीं मिला तो मेरा बच्चा नहीं जिएगा। अपने दोस्त मन्नू को देखो, क्या हाल हो गया उसका। वो तो ठीक तरह से चल भी नहीं पा रहा है, बोल भी नहीं पा रहा है। मन्नू की तरह गाँव में और भी बहुत से बच्चे हैं यीशु, जो उस कुएं का दूषित पानी पीकर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। जरा सोचो, एक मेमने की जान के बदले पूरे गांव वालों की जान बच जाएगी। सही कह रहे, तो बोलो यीशु, क्या सोचा तुमने? इस पूरे गांव की भलाई के लिए तुम इस मेमने की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो? उस पत्थर को देखिए जिस पर खून के दाग हैं। पहले तो इसे देखकर मैं भी कुछ समझ नहीं पाया था, लेकिन अब समझ रहा हूँ। कुर्बानी के लिए इस मेमने को उसी पत्थर पर लिटाया जाएगा और इसका खून भी उस पत्थर पर बहेगा। जरा सोचिए, इस मेमने को कितना दर्द होगा। जरा सा कांटा चुभ जाता है तो हम कराह उठते हैं, और यहाँ इस मेमने की गर्दन काटने की बात हो रही है। माँ कहती है कि सारे जीव एक समान है, चाहे वो इंसान हो या जानवर, क्योंकि हम सब के अंदर परमपिता परमेश्वर का ही अंश है। किसी जीव की जान लेना किसी समस्या का हल कैसे हो सकता है? क्षमा कीजिए, लेकिन मैं इसकी कुर्बानी नहीं दूंगा, क्योंकि इस मेमने की जान उतनी कीमती है जितनी हम सब की।
मैं जानती थी यीशु तुम ऐसा ही कहोगे। ना समझ है वो लोग जो जान देने वाले से जान लेने की बात कह रहे हैं। देखो 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 गांव वाले कितनी उम्मीद लगाए बैठे थे तुमसे, तुम्हारी एक कोशिश से न जाने कितने लोगों की जान बच सकती है और तुम हो कि बिना मतलब का ज्ञान बांटे जा रहे हो। पता तुमको लोग तो दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे देते हैं और तुम हो कि मेमने की कुर्बानी देने के लिए भी तुम मना कर रहे हो। समझ गया मैं, सब समझ गया। गांव वालों की जान की कोई कीमत नहीं है तुम्हारी नजरों में। गांव वालों ये एक नंबर का जिद्दी और घमंडी है, बहुत ही जिद्दी और घमंडी किस्म का इंसान है ये। वो देखिए अब तक मेमना यीशु की गोदी में कितना शांत था, लेकिन जैसे ही परमेश्वर की संतान पर उंगली उठते देखी तो कैसे बेचैन हो गया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मेरी कि ये मेमना कुछ तो करेगा। अरे ये तो बहुत अच्छा संकेत है, मेमना खुद कुर्बानी के लिए तैयार है। हाँ 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 अच्छा संकेत है। हाँ हो सकता है ईश्वर ने उसे ऐसा करने का संकेत दिया हो। अब देर मत करो यीशु, आगे बढ़ो, बचा लो गांव वालों की जिंदगी। यीशु आगे बढ़ो, जाओ यीशु आगे बढ़ो, यीशु आगे बढ़ो, आगे बढ़ो 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 यीशु आगे बढ़ो। शांत हो जाइए आप लोग, सब शांत हो जाइए। इस यीशु को इस मेमने की कुर्बानी की चिंता है, परंतु गांव वालों की कोई चिंता नहीं है इसे। लेकिन मैं अपने प्यारे गांव वालों को इस तरह से नहीं मरने दूंगा। अगर ये काम यीशु करने के लिए तैयार नहीं है तो ये काम अपने प्यारे गांव वालों के लिए। मैं करूंगा। समान है चाहे वो इंसान हो या जानवर, क्योंकि हम सब के अंदर परमपिता परमेश्वर का ही अंश है। नहीं पिताजी, आप इस मेमने की कुर्बानी नहीं दे सकते, इसके बजाय आपको मेरी कुर्बानी देनी होगी। क्या कहा तुमने? वही जो आपने सुना, इस मेमने के बदले आप मेरी कुर्बानी दे दीजिए। नीमा, ये कैसी बातें कर रही हो बेटा? हाँ क्या हो गया तुम्हें? अपने पिताजी से ऐसी बात कैसे कर सकती हो कि वो तुम्हारी कुर्बानी दे? क्यों नहीं कह सकती माँ, यीशु जो कह रहा है वो बिल्कुल सच है। हम सब का जीवन एक समान है, हम सब की जान भी उतनी कीमती है जितनी इस मेमने की। और अगर आपको एक जीव की बलि देनी है तो आप मेरी कुर्बानी दीजिए, इस मेमने की नहीं।
यीशु की संगत में रहकर दिमाग खराब हो गया इसका। संगत का असर भी हर किसी पर नहीं होता है पिताजी। अगर ऐसा होता तो कांटों के साथ रहकर फूल चुगना सीख जाते और कांटे में एकना। लेकिन मुझे गर्व है इस बात पर कि यीशु के साथ रहकर मैंने इंसानियत सीखी है। आप इस मेमने की कुर्बानी नहीं दे सकते।